हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मटर गश्ती में। मैं हूं साहब अली, आप जानती हैं हमारे भाई हैं आमिर भाई हैं, इनका भी अपना यूट्यूब चैनल है अनोखा पोस्ट। हम लोग लगातार आपको बिहार के बारे में, खास करके बिहार किस तरह से दूसरे राज्यों से अलग है इसके बारे में आपको लगातार जानकारियाँ देते रहते हैं। फिलहाल अभी हम लोग पटना जंक्शन पर हैं। आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा कि किस तरह से हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे जो 100 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा लहराया गया है उसके बारे में हमने आपको बताया, और अब हम आपको पटना जंक्शन का परिसर घुमाएंगे जो कि पहले से काफी बदल चुका है। हमें याद है आमिर भाई, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो यहाँ पर इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी जिस तरह की अभी अभी बन रहा है, अभी और बेहतर बन रहा है जी, और लगातार यहाँ काम स्टार्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी प्लेटफॉर्म पे काम चल रहा है जी, अभी हम दिखाते हैं कि प्लेटफॉर्म पे काम चल रहा है जी। जी बिल्कुल, तो चलिए हमारे साथ पटना जंक्शन को एक्सप्लोर करते हैं, क्या क्या है यहाँ पे। आप पटना जंक्शन पर आएंगे तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले आएंगे तो यहाँ पर आपको ट्रेन के बारे में जानकारियाँ इस बोर्ड पर मिलेंगी। उसके नीचे प्लेटफॉर्म टिकट का जो काउंटर है वो भी बनाया गया है, प्लेटफॉर्म टिकट खिड़की लिखा हुआ है। इसके साथ ही साथ टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर यानी कि पर्यटक सूचना केंद्र भी है यहाँ पर, और यहाँ पर आप आकर के आज का जो आरक्षण होता है तत्काल जो प्रीमियम माफ कीजिएगा प्रीमियम तत्काल जो होता है आज का आरक्षण यहाँ से आप ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ अब दूसरी तरफ हम देखते हैं, दूसरी तरफ जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर इंक्वायरी के लिए विंडो क्रिएट किया गया है। यहाँ पर सभी ट्रेन्स के बारे में आपको, एक तो पहले जो फ्लैक्स बोर्ड ऊपर लगाए गए हैं जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स हैं उसमें ट्रेन्स के बारे में अंकित है। इसके बाद नीचे में खिड़की दी गई है जिसपे लोग मौजूद हैं, खास करके जब लोग नहीं होते हैं तो बोर्ड होते हैं, बोर्ड पे लिखा होता है। अभी भाई थोड़ी देर पहले आप गए भी थे वहाँ पे किसी ट्रेन की इंक्वायरी के बारे में, तो आपको क्या देखने को मिला हुआ? मैंने वहाँ ब्रह्मपुत्र ट्रेन के लिए मैंने पता किया था जी, तो वहाँ भी वैसे हमारे यहाँ जैसे ट्रेनें लेट चलती हैं, ये भी बहुत अच्छे से आराम से 3 घंटे लेट आ रही है। ट्रेन 18 चला रहे हैं लेकिन समय पे नहीं आती, समय पे नहीं आ रही। बिल्कुल, अभी हम लोग पटना जंक्शन पे तब से आते हैं जब टिकट का दाम जो हुआ करता था वो 3 रुपया हुआ करता था, और आज प्लेटफॉर्म टिकट हम 10 रुपया। प्लेटफॉर्म टिकट दिखाइएगा जरा हमारे दर्शकों को कैसा है। ये प्लेटफॉर्म टिकट है आमिर भाई लेके आए, जरूरी है इसको लेना क्योंकि इसके बिना अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको उस समय जो ट्रेन लगी होती है प्लेटफॉर्म पे उसका टिकट का चार्ज करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के हम लोग अभी पटना जंक्शन पे हैं, अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। ये पटना जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे से लेकर के प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 तक आप यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए जैसे मगध के आने का वक्त जो है पटना में वो तकरीबन 11:15 पे है, मगध एक्सप्रेस है, मगध एक्सप्रेस बताइए, और ये अभी जो है कि 2:15 पे पटना जंक्शन से निकलने वाली है। मतलब ये ट्रेन भी लगभग अपने समय से 3 घंटे डिले चल रही है। ये नई दिल्ली टू मालदा टाउन चलती है ना ये? हाँ, ये अभी स्टार्ट हुई है हटिया से जी। तो सोचिए कि कितना लेट लतीफी है, कहते हैं कि मतलब किस तरह से सुधार है रेलवे में, लेकिन रेलवे में क्या सुधार है ये तो स्टेशन पे अभी आपको आमिर भाई बता ही रहे थे कि रेलवे अपने टाइम के मुताबिक नहीं चलती है। भले ही स्टेशनों को 5 स्टार बनाने की बात कही जाती है लेकिन रेलवे अपने टाइम पर नहीं चलती है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि यही वो पटना जंक्शन है जहाँ से बुलेट ट्रेन भी चलने वाली है। अब बुलेट ट्रेन की तो छोड़ दीजिए, पहले मगध एक्सप्रेस टाइम पर नहीं आ रही है, ये बात भी बहुत बड़ी बात है। वैसे ट्रेनों को छोड़ दिया जाए हिंदुस्तान में तो वो अलग चीज, बाकी यहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह आप देख सकते हैं वो नए तरीके से जी, मधुबनी पेंटिंग्स, ये मधुबनी पेंटिंग से सजाया गया है पूरे पटना जंक्शन को, या फिर यूं कहें कि पटना के बाहर भी आपने देखा होगा किस तरह से मधुबनी पेंटिंग्स लगाई गई है। ये मधुबनी पेंटिंग्स एक तरह से बिहार को रिप्रेजेंट करती है। मधुबनी पेंटिंग्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कला चित्र बनाए गए हैं वो काफी खूबसूरत है और काफ़ी भावुक भी लगते हैं जब यहाँ पे लोग आते हैं, खास करके जो बिहार से बाहर से लोग आते हैं तो ये मधुबनी पेंटिंग जो है वो बिहार के बाहर के लोगों को यहाँ के बारे में, यहाँ की संस्कृति के बारे में, यहाँ की विरासत जो यहाँ की विरासत रही है शुरू से उसके बारे में बताते हैं। अरे भाई आप बताइए, इस मधुबनी पेंटिंग तो पहले यहाँ पे नहीं थी लेकिन अब यहाँ पे लगाई गई है। अब यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग लगाई जा रही है, बनाई जा रही है जी। वो कहा जाता है कि ऐसी हमारी कला, हमारी संस्कृति है जिसको झलकाने का, जिसे दिखाने का एक अच्छा जरिया है। वैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि पटना जंक्शन पे फ्लोरिंग का काम हो रहा है। बिल्कुल, न्यू
मार्बल्स वगैरह लगाए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, थोड़ी जगहों पे लगाने बाकी है, तो आगे में ये भी नहीं लगाई जा रही है, काफी स्लिपरी है। नए तरीके से पूरा रिनोवेट किया जा रहा है। बिल्कुल, पटना जंक्शन पे एक और चीज है यहाँ पर कि वाटर बेंडिंग मशीनें लगाई गई हैं। ये वाटर बेंडिंग मशीनें हैं। वाटर बेंडिंग मशीनें पे आप क्या कर सकते हैं ना कि यहाँ पर आपको बिना ब्रांड के बिना लेबल के बॉटल काफी सस्ते मिल जाती है। भैया किस तरह से काम करती है मशीन? बहुत अच्छी काम करती है। मतलब क्या है इसके बारे में बताइए, कैसे ये क्या लिखा है? 2 रुपया 3 रुपया 2 रुपया है, 1 लीटर का 8 रुपया है। बिल्कुल, 2 लीटर का 8 रुपया है। मतलब अगर हम बिस्लेरी खरीदने जाए तो 20 रुपए देने पड़ते हैं। यहाँ पर क्या बोतल आप ही प्रोवाइड करते हैं? बोतल मैं प्रोवाइड करता हूँ 8 रुपए का। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग किसके तहत आते हैं? क्या आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, अनुदान पे हैं या फिर रेलवे की तरफ? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट पे। कुल मिलाकर के भाई जो है हमारे, क्या नाम है आपका? कृष्ण गोपाल कुमार जी हमारे साथ हैं और ये काफी मतलब जनसेवा भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि एक तरह से गर्मी का दिन है और मैंने छू के देखा ये काफी ठंडा बॉटल है। आप यहाँ से पानी ले सकते हैं और पी सकते हैं, क्योंकि आप जब ब्रांडिंग परचेज करते हैं तो ब्रांडिंग में आपको कई तरह के टैक्सेस देने होते हैं, बहुत सारी चीजें देने होती है, इससे उसकी जो पैकेजिंग का जो रेट होता है वो काफी बढ़ जाता है। और यहाँ पर अब वेंडिंग मशीन लगाई गई है तो वेंडिंग मशीन की वजह से आपको काफी सस्ते दाम पर जो बॉटल है वो मिल जाता है। और यहाँ पर भी पानी का जो व्यवस्था है, पीने के पानी का उपलब्ध है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको ये आरओ वाटर होता है क्या? आरओ वाटर जी जी, ये आरओ वाटर होता है, इसलिए ये काफी उससे तो काफी। अभी हम लोग पटना जंक्शन पे फुट ओवर ब्रिज पे आ गए हैं। यहाँ से हम जो है कि 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और हमें जो है कि हम जो यहाँ पे पटना जंक्शन आए हैं वो अपने कजन्स को उतारने के लिए मतलब रिसीव करने आए हैं। सोचा कि आपसे भी थोड़ा सा। अच्छा, तो आगे में थोड़ा सा आप लोग बता देते हैं ना कि आखिर ये है क्या? ये पटना जंक्शन में 3 ब्रिज ऐसे फुट ओवर ब्रिज जो है वो बनाए गए हैं। एक आप वहाँ देख सकते हैं, एक जिस तरफ खड़े हैं और एक वोर वाला। तो ये 3 ब्रिजेस बनाए गए। ये मिडिल वाला ब्रिज है जो कनेक्ट करता है उस साइड जो प्लेटफॉर्म सबसे आखिरी प्लेटफॉर्म है उससे फर्स्ट प्लेटफॉर्म को। तो इस ब्रिज के साथ हमारे पीछे वो तिरंगा झंडा वैसी शान से लहरा रहा है जिस तरह से हमने आपको उस वीडियो ब्लॉग में दिखाया था। कुल मिलाकर एक काफी अच्छा जो है ना वो पटना जंक्शन अब पहले के मुताबिक बहुत ही अच्छा हो गया है। यहाँ पर यात्रियों की संख्या बढ़ी है और उससे भी ज्यादा यहाँ पर ट्रेनों की तादाद बढ़ी है। आपको पटना दिल्ली रूट पर हर एक 10 मिनट पर तकरीबन यहाँ से गाड़ियां हैं। ये ट्रेनें आप देख सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के बीच में 4 ट्रेनें अभी लगी हुई हैं। अब हम लोग आ गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर और हम नीचे उतरने जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आप देख सकते हैं किस तरह से इंडियन रेलवे स्टेशन पे अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, लोग सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं, लेकिन सीढ़ियों पर लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन शायद इससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग सीढ़ियों पर बैठे रहते हैं और इससे जो आने जाने वाले यात्री होते हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सीढ़ियों का डायमीटर तो काफी चौड़ा बनाया जाता है, लेकिन लोग इस पर बैठ करके इसको बहुत ज्यादा भर देते हैं। आप देखिए यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, इससे यात्रियों को आने जाने में प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, लेकिन इससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये लोग हाँ अभी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तस्वीरें आपको दिखला रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो है ना आखिर तक प्लेटफॉर्म है और उस साइड तो एस्केलेटर भी बनाया गया है। आप लगातार मटरगश्ती में इस तरह से बने रहिए, हम आपको अलग अलग जगहों की अलग अलग तस्वीरें, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।